कुरान के मुहाफिज गाजी उमर इलियास को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, जिसने नरवे में अपनी ईमानी जज्बे से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। गाजी इलियास दुनिया भर में एक इस्लामी हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इलियास को पूरी दुनिया में इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नॉर्वे में इस्लाम के बढ़ने से घबराए एक इस्लाम विरोधी को कुरान पाक को जलाने पर उस पर लात घूसों की बारिश कर दी थी। दरअसल नॉर्वे में इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए एक रैली निकाली थी, जिसमें कट्टरपंथी नेता ने पवित्र कुरान पाक को जलाने की कोशिश करी थी, जिसका वहां की पुलिस भी समर्थन कर रही थी और उन्हें ऐसा करने पर रोका भी नहीं गया था। फिर मुस्लिम हीरो गाजी उमर इलियास ने पवित्र कुरान को बचाने के लिए बैरिकेड सर्कल के ऊपर से कूदे और फिर उस गुस्ताख को सबक सिखाया। फिर रैली जल्द ही हिंसक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इलियास को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह घटना नॉर्वे के शहर क्रिस्टियान सैंड में हुई थी। घटना के बाद पवित्र कुरान को बचाने के प्रयास के लिए उस व्यक्ति की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। और वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि हम 16 नवंबर 2019 को नॉर्वे के क्रिस्टियान सैंड में एक इस्लाम विरोधी संगठन द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन में हमारी पवित्र कुरान की बेहुरमती हुई है, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए और जिन्होंने ये काम किया है उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, और उस नौजवान गाजी उमर इलियास को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तुर्की में पश्चिमी यूरोप में पूल की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अपने बयान में पश्चिमी दुनिया से आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा, ये हमले न केवल मुसलमानों के लिए दुखद है बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। मंत्रालय ने कहा कि तुर्की धर्म या विश्वास के आधार पर आतंकवाद और हिंसा के ऐसे लोगों से निपटने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आवाज बुलंद करेगा। वहीं पाकिस्तान ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। पाक के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल खान ने एक बयान में कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और दूसरों से भी हमारे धर्म की सम्मान करने की उम्मीद करते हैं। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नॉर्वे की सरकार से कहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द रोके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इस मामले पर नॉर्वे सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नॉर्वे सरकार ने इस घटना के बदले के डर से नॉर्वे पुलिस ने नॉर्वे में सब जगहों पर कुरान शरीफ की बेअदबी करने पर पाबंदी लगा दी है और हेट स्पीच में सुधार किया है। जाहिर है कि उन्हें खौफ है कि कहीं उनके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान बदला लेने की मुहिम ना छोड़ दें, इसलिए आखिरकार नॉर्वे सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टीवी ऑनलाइन।